हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, स्पोकन इंग्लिश में कई बार इंसान फंस जाता है। यहाँ पर ऐसे एक सेंटेंस है कि मैं खेलता हूँ और एक सेंटेंस है कि मैं खेलने लगता हूँ। अब यहाँ पर कई जो बिगनर्स है वो फंस जाते हैं, जो पहले से जानते हो तो जानते ही। तो मैं खेलता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो मैं खेलता हूँ दिखा रहा है कि मैं खेलता हूँ, एक रूटीन एक्टिविटीज़ को दिखा रहा है। चाहे मैं संडे को खेलता हूँ, मंडे खेलता हूँ, रोज खेलता हूँ, शाम को खेलता हूँ, सुबह खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ। ये मेरी रूटीन है, ये मेरी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन। लेकिन यहाँ पर है कि मैं खेलने लगता हूँ। तो खेलने लगता हूँ इसका मतलब है कि मैं खेलना शुरू कर देता हूँ, शुरू कर देना। तो किसी काम को करने लगता हूँ यानी कि किसी काम को करना शुरू कर देता हूँ। तो कब? कोई ना कोई सिचुएशन होगा कि जब मैं किचन में जाता हूँ, मैं चाय बनाने लगता हूँ, ऐसा हो सकता है। जब वो मुझे गाली देती है तो मैं उसे पीटने लगता हूँ। जब मैं बाहर जाता हूँ, मैं कुछ खरीदने लगता हूँ, मैं नाचने लगता हूँ, मैं गाने लगता हूँ, मैं एंजॉय करने लगता हूँ। अगर ये बोलना है तो एक ही वर्ड है, वो है स्टार्ट। आप स्टार्ट का सहारा लीजिए। हालांकि बिगिन का भी सहारा ले सकते हैं, बट स्टार्ट का सहारा आप लीजिए, स्टार्ट। अब करना क्या है? स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस की हम बात अभी कर रहे हैं कि मैं खेलने लगता हूँ, नाचने लगता हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद आपको बोलना है स्टार्ट आई वी यू दे प्लूरल के लिए। लेकिन जहां थर्ड पर्सन आ जाए तो आप समझ ही गए होंगे आपको करना है स्टार्ट्स। उसके बाद आपको उस प्रोसेस को दिखाना है, खेलना, नाचना, सोना, दौड़ना, उसे आई एन जी में दिखाना है। यानी कि आप यहाँ पर वर्ब में आई एन जी लगाएंगे और प्लस इसका जो ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है कि ये जिरंड है, मैं अभी आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ जिरंड में। ये जिरंड है और इस वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट ये है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप ऐसे समझ लीजिए। तो मैं खेलने लगता हूँ, आई स्टार्ट प्लेइंग, आई स्टार्ट प्लेइंग। अब इस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं, भाई मैं तो नाचने लगता हूँ, आई स्टार्ट डांसिंग। लेकिन आप पूरी बात बोलेंगे ना, कब नाचने लगता हूँ? जब मैं पार्टी में जाता हूँ, When I attend any party, या when I go to attend any party, मैं नाचने लगता हूँ, I start dancing। जब वो मुझसे बात करती है, when she talks to me, मैं उस पर चिल्लाने लगता हूँ, I start shouting at her, shouting at her, तो I start shouting, तो start आ रहा है ना। तो इस पर अगर आपको fast practice करनी है तो छोटे छोटे sentences के साथ आप करेंगे। मैं दौड़ने लगता हूँ, I start running, मैं नाचने लगता हूँ, I start dancing, मैं बात करने लगता हूँ, आई स्टार्ट टॉकिंग, मैं अंग्रेजी बोलने लगता हूँ, आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, मैं कंप्यूटर ऑपरेट करने लगता हूँ, आई स्टार्ट ऑपरेटिंग कंप्यूटर, वह नाचने लगती है, शी स्टार्ट्स डांसिंग, वह दौड़ने लगती है, शी स्टार्ट्स रनिंग, वह मुस्कुराने लगती है, शी स्टार्ट्स स्माइलिंग, वह हंसने लगती है, शी स्टार्ट्स लाफिंग। इस तरीके से आपको बोलना है। तो क्लियर समझ में आ रहा है? अब इस पर कई बार आप सवाल भी करते हैं, तो जब आप सवाल करेंगे, छोटा सा वीडियो देख लीजिए गाइस, तो आपको डू या डज से सवाल करना है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट, यहां पर लगाइए स्टार्ट, उसके बाद वही प्रोसेस है, वर्ब में आईएनजी प्लस इसका अपना एक ऑब्जेक्ट। तो बोलना है कि अच्छा एक बात बताया कि जब तू पार्टी में जाता है, व्हेन यू गो टू एनी पार्टी या व्हेन यू अटेंड एनी पार्टी, क्या तू पीने लगता है? ऐसे सवाल करना है। तो जब तू पार्टी में जाता है, व्हेन यू गो टू एनी पार्टी, क्या तू पीने लगता है? डू यू स्टार्ट, डू यू स्टार्ट ड्रिंकिंग, आप ऐसे करके सवाल करें। क्या तू नाचने लगता है? डू यू स्टार्ट डांसिंग। क्या वह दौड़ने लगती है? डज शी स्टार्ट रनिंग। क्या वह टहलने लगती है? डज शी स्टार्ट वॉकिंग। जब वह तेरे साथ पार्क में जाती है, when she goes to park with you, क्या वो भी टहलने लगती है? Does she also start walking? समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब है कि चूंकि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, हर एक सिचुएशन आपको चाहिए, हर सिचुएशन पे एक सेंटेंस। तो क्लियर है? तो जब भी मैं बाजार जाता हूँ, जब भी whenever I go to market, मैं कुछ खरीदने लगता हूँ, आई स्टार्ट परचेजिंग समथिंग। जब वो मुझसे मिलती है, व्हेन शी मीट्स मी, हम दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं, वी बोथ स्टार्ट आर्ग्यूइंग। क्लियर गाइस?
आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। नेगेटिव बोलना है कि मैं नाचना शुरू नहीं करता हूँ, आई डोंट स्टार्ट डांसिंग, मैं बहस नहीं करने लगता हूँ, आई डोंट स्टार्ट आर्गुइंग, मैं दौड़ने नहीं लगता हूँ, आई डोंट स्टार्ट रनिंग। तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। अब आपको करना क्या है, लिखना पड़ेगा, कॉपी लीजिए, इस पर कुछ सेंटेंसेज आप लिखिए, उसके बाद आप बोल बोल करके ट्राई कीजिए। मैं जाने लगता हूँ, आई स्टार्ट गोइंग, मैं खाने लगता हूँ, आई स्टार्ट ईटिंग, मैं नाचने लगता हूँ, स्टार्ट डांसिंग, ऐसे करके। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड